आधी अधूरी तैयारी के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने जिले की सभी 38 सहकारी समितियों के 58 खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी शुरू होने का दावा किया। हालांकि धान लेकर पहुंचे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और समितियों के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण किसानों को टोकन भी मैन्युअली जारी नहीं किया गया और किसानों ने अपनी समस्या गिनवाते हुए धान की कीमत 2500 रुपए तक एक साथ नहीं देने को भी अपने लिए एक बड़ी समस्या बताया है। वहीं बीजेपी आज सभी खरीदी केंद्रों पर धान देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है, जिससे उन्होंने किसानों का भी भरपूर समर्थन मिलने का दावा किया है। जी आप चालू करे थे एक से बहुत दिक्कत हुए है, काहे ब्यारा में धान पड़े है, सुखोए की जगह नहीं है और अनेक प्रकार के गरु गाय के क्षति होते और जो कर्जा वाला है खातू दवाई के मन तंगा थे और 1 दिसंबर से खरीदी करा थे और मैं छोटे सब किसान मन है किसे दवाई ले खाद ले होकर बहुत परेशानी होते, पैसा के किल्लत होते, बहुत परेशानी में किसान है। खबर भोपाल से आप